खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो वो खबर दिखा देते हैं आपको जो ये साबित करेगी कैसे देश के सिस्टम ने उस लड़की को उसी के हाल पर छोड़ दिया। एक फरियाद चिट्ठी की शक्ल में जो उसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी और 33 वो चिट्ठियां 33 लेटर्स जो उसने उन्नाव के एसपी मनोज वर्मा को भेजे। तो पिछले एक साल में इस लड़की पर क्या गुजर रही थी उसका अंदाजा आप इन चिट्ठियों को देखकर लगा सकते हैं। 33 चिट्ठियां जो उसने उन्नाव के एसपी को भेजी और लगातार इन चिट्ठियों में उसने यही शक जताया कि उसकी जान को खतरा है। लगातार इन चिट्ठियों के जरिए उसने पुलिस को आगाह करने की कोशिश की किस तरीके से सत्ताधारी पार्टी का विधायक जो भले ही सलाखों के पीछे है लेकिन लगातार अपने गुर्गों के जरिए उसे जान से मारने की धमकियां दे रहा है, उस पर दबाव बना रहा है कि केस वापस लो वरना तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तो पिछले एक साल से ये चिट्ठियों का सिलसिला जारी था लेकिन लड़की को इंसाफ मिला नहीं और अब देखिए जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है ये रेप पीड़िता। सब कुछ खो चुकी है, इस लड़ाई में हार चुकी है ये पीड़िता। पिता को खोया, चाची और मौसी की भी अब हत्या जो इस एक्सीडेंट में हो गई और खुद एक्सीडेंट के बाद जिंदगी और मौत के बीच। रायबरेली में ट्रक से टक्कर के बाद अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही उन्नाव गैंगरेप की पीड़िता के परिवार ने पिछले एक साल में 33 बार पुलिस को प्रशासन को लिखित में शिकायत की, ये चिट्ठियां लिखी। परिवार ने आशंका जताई थी कि गैंगरेप में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उनको निशाना बना सकता है, उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये विधायक का रसूख नहीं तो और क्या है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्नाव के एसपी मनोज वर्मा ने माना कि पुलिस को 33 शिकायतें मिली थी लेकिन उनमें कोई दम नजर नहीं आया, इसीलिए उन्हें खारिज कर दिया गया। तो देखिए पुलिस को दम नजर नहीं आया और यहां दम निकलने की कगार पर पहुंच चुकी है वो पीड़ित लड़की, रेप पीड़ित लड़की। अब तक इंसाफ उस मामले में मिला नहीं कि जान से मारने की उसे कोशिश। एक्सीडेंट में मौसी चाची दोनों की हत्या हो गई और इस वक्त लड़की खुद वेंटिलेटर पर है, अपनी सांसें चल नहीं रही, वेंटिलेटर के जरिए सांसें ले रही है।